हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आप सबका स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल प्रोजेक्ट इकोनॉमिक ट्रिकी मार्ट। और आज हम बात करने वाले हैं कि हाउ यू कैन अप्लाई फॉर लोन ऑन नीरा लोन ऐप। कैसे आप लोन के लिए नीरा लोन एप्लीकेशन पे अप्लाई कर सकते हैं, क्या रहेगा प्रोसेस, इस वीडियो में हम डिटेल में समझने वाले हैं। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा इफ यू वांटेड टू अप्लाई फॉर द लोन। सबसे पहले मैं आपको एक छोटा सा डिस्क्लेमर दे दूं कि फ्रेंड्स, इस वीडियो में ना मैं प्रमोट नहीं कर रहा हूं कि आप इस एप्लीकेशन से लोन लीजिए। मैं बस आपको एक प्रोसेस बताने वाला हूं कि कैसे आप यहां से लोन ले सकते हैं। इवन बता दूं कि ऐसा नहीं कि मैं एप्लीकेशन के अंदर ढुक करके आपको मैं स्टेप बाय स्टेप बता दूंगा, बट आपको बता दूं कि बहुत सिंपल होता है इसके फॉर्म्स को फिल करना है, क्योंकि सब कुछ तो ऑनलाइन ही होता है ना। आपको बस स्टेप बाय स्टेप सब कुछ फॉलो करना होता है एंड इजीली आप लोन के लिए अप्लाई कर पाते हो। लेकिन यहां पर कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जिसे अगर आप ध्यान नहीं दोगे तो शायद आप लोन के लिए एलिजिबल नहीं हो पाओगे एंड शायद आपका लोन कैंसिल भी हो सकता है। सो बहुत सारे पॉइंट्स इस वीडियो में कवर करेंगे, इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं इस वीडियो को बिना लेट। तो सबसे पहले ना हम इसके क्राइटेरिया समझ लेते हैं कि आखिर कौन से क्राइटेरिया आप फुलफिल करोगे तो ही आप एलिजिबल हो पाओगे फॉर लोन। सबसे पहला क्राइटेरिया है कि आप ना एक जॉब कर रहे हो, आपकी मिनिमम सैलरी 12,000 के आसपास होनी चाहिए। दैट मीन्स कि यह प्लेटफॉर्म स्टूडेंट्स के लिए नहीं है। सो इफ यू आर एन स्टूडेंट, आप यहाँ से एग्जिट कर ले, दैट मीन्स वीडियो आप स्किप कर सकते हैं। मिनिमम आपकी सैलरी 12,000 होनी चाहिए। आपके पास कुछ डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए लाइक आधार कार्ड एंड पैन कार्ड, एंड इन डॉक्यूमेंट्स में आपका फ़ोन नंबर भी लिंक होना चाहिए, क्योंकि सब कुछ ऑनलाइन होने वाला है। सो EKYC भी होगा, उसके लिए आपके फोन नंबर लिंक होना जरूरी है आपके डॉक्यूमेंट्स में। एंड उसके बाद आपका एज मोर देन 18+ होना चाहिए। बता दूं किसी किसी लोकेशंस में ना शायद ये बोल सकता है कि आपका एज मोर देन 20+ हो। एंड उसके बाद वाला पॉइंट है लोकेशन। हर एक लोकेशन में नीरा लोन लोन प्रोवाइड कर रही हो ये जरूरी नहीं है। सो जब आप फॉलो कर रहे होगे, जब आप प्रोसीड कर रहे होगे और जब आप अपना लोकेशन एंटर करोगे तो शायद आपको यहाँ पर एलिजिबल दे सकता है, एलिजिबिलिटी दे सकता है, या तो फिर आपका कैंसिल भी कर सकता है। ठीक है, तो यही सारे क्राइटेरिया है जिसे आपको फुलफिल करना है। एंड इसके बाद क्या करना होगा, सिंपली आपको एप्लीकेशन इंस्टॉल कर लेना है नीरा लोन ऐप का। एंड यहाँ पर ना आपको अपना फोन नंबर दे करके, जीमेल एड्रेस दे करके लॉग इन कर लेना है। एंड अगर हो सके तो किसी का रेफरल कोड मिले तो वो भी आप एंटर कर सकते हो। एक्चुअली मैं इस एप्लीकेशन को यूज़ नहीं कर रहा हूँ एंड दैट्स वाई आई एम नॉट गोइंग टू रेफर एनीथिंग। ठीक है, एंड आई एम नॉट प्रमोटिंग दैट प्लेटफॉर्म। ठीक है, ध्यान रखिएगा, मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया, मैं आपको स्टेप बाय स्टेप एप्लीकेशन के अंदर जाकर नहीं बताने वाली, क्योंकि आई एम नॉट यूजिंग दैट प्लेटफॉर्म। सो दैट्स वाई आई एम नॉट गोइंग टू एंटर दैट प्लेटफॉर्म। बहुत सिंपल है फ्रेंड, सिंपली ना आपको एप्लीकेशन इंस्टॉल करना होता है एंड आपको डिटेल्स, जैसे कि आप व्हाट्सअप के अकाउंट खोले या फिर फेसबुक के अकाउंट खोले या फिर किसी भी लोगों को भी अकाउंट खोलते हैं तो आपको जो आपको डिटेल्स देना होता है ना, सेम थिंग आपको यहां पर करना होता है। किसी टाइप का कोई रॉकेट साइंस नहीं है यहां पर लोन के लिए अप्लाई करना। ठीक है, सो यहां पर ना आप जब 5,000 के लिए लोन के लिए अप्लाई करोगे ना तो आपको ना पेमेंट का जो EMI होता है वो भी पूछा जाता है कि आप कितने टेन्योर में पे करना चाहते हो, 3 महीने में पे करना चाहते हो, 6 महीने में या फिर 9 महीने में। सो अगर आप 3 महीने का यहाँ पर अगर आप ट्राई करते हो तो आपको मिनिमम 1,730 रुपये का जो है EMI पे करना पड़ेगा। एंड हाँ, यहाँ पर मैं 2 पॉइंट्स मिस कर दिया, दैट इज़ प्रोसेसिंग फी एंड इंटरेस्ट चार्जेस। अगर आप लोन के लिए यहाँ से अप्लाई करते हो तो ध्यान रखिएगा कि आपका प्रोसेसिंग फी मिनिमम 350 रुपीज रह सकता है एंड मैक्स टू मैक्स 2% से लेकर 7% तक होता है। जैसा कि मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बता रखा था जब मैंने इसकी रिव्यू ली थी कि ये सेफ है या नहीं उसके ऊपर। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो आई बटन पर लिंक है, आप जाकर देख सकते हैं। इवन वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी लिंक दिया हुआ है। सो प्रोसेसिंग फी एंड इंटरेस्ट तो चार्जेस लगेंगे लगेंगे। सो यहाँ अगर आप 5,000 के लिए अप्लाई करते हैं एंड अगर आपका 3 महीने का EMI रहता है तो यहाँ पर आपको फाइनल एट द एंड में 5,383 रुपये पे करने पड़ेंगे। कैसे, इंटरेस्ट रहेगा आपका 383 रुपये एंड 5,000 आपका मेन लोन। ठीक है, एंड अगर आप इसी EMI को ना बढ़ा देते हो तो सेम थिंग रहेगा, कुछ ज़्यादा नहीं पड़ेगा। लेकिन जब ये EMI आपका रहता है, इसके जो लोन टेन्योर है, अगर वो 10 मंथ या फिर 9 मंथ हो जाता है तो यही आपका इंटरेस्ट रेट जो है 500 रुपये के आसपास बढ़ जाता है। सभी जी हाँ, 530 रुपये हो जाता है। इसकी 5,530 रुपये आपको टोटल पे करने पड़ सकते हैं। सो अगर आप लोन लेते हो तो कम से कम टेन्योर रखो 3 महीने, 4 महीने, 5 महीने, बेस्ट होता है। और एक बात बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर आप यहाँ से लोन लेते हो तो ध्यान रखिएगा कि आपकी जो बेसिक सैलरी है वो आपके पास कंटिन्यूसली आती रहनी चाहिए। क्योंकि अगर आप इनसे लोन लेते हो और अगर आप टाइम पर नहीं पे करते हो तो आपको बहुत सारे प्रॉब्लम्स हो सकती है। सबसे पहले आपका सिविल स्कोर बहुत ही जोर से अफेक्ट हो सकता है। हाँ, सिविल स्कोर के बारे में बता दूं कि यहाँ पर ऐसा जरूरी नहीं कि आपको जो सिविल स्कोर है 750 या फिर 800 हो तो ही आपको मिलेगा। मोर देन 650 भी अगर होगा तो आप यहाँ पर एलिजिबल हो पाएंगे। ठीक है, एंड जब आप डिटेल फिल करोगे ना तो हो सकता है कि नीरा एप्लीकेशन के थ्रू से ना आपको कॉल सपोर्ट, दैट मींस सपोर्ट के लिए कॉल आ जाए एंड वहाँ से आप उन्हें बोल सकते हैं कि प्लीज़ मेरा थोड़ा सिविल स्कोर बढ़ा दो। सो अगर वो सिविल स्कोर बढ़ा देती है तो शायद आप और भी ज़्यादा अमाउंट विड्रॉ करने के लिए एलिजिबल हो पाते हो। ठीक है, तो हम बात करते हैं कि अगर आप बाउंस करते हो एक भी EMI तो आपको कौन कौन से प्रॉब्लम्स हो सकती है। सबसे पहला, आपका सिविल स्कोर बहुत ही जोर से क्रैश होगा। दूसरा, आपके पेरेंट्स को आपको मल्टीपल कॉल्स
आ सकती हैं। बता दूं कि ये काम ना नीरा लोन एप्लीकेशन का नहीं है आपको हरास करने का, एंड इनके पास वो राइट्स भी नहीं है कि आपको बार बार कॉल करके परेशान करें, ठीक है। बट ये क्या करती है, ये थर्ड पार्टी को यूज करती है वो पैसा क्लेम करने के लिए, ठीक है, वो पैसा रिकवरी के लिए जो थर्ड पार्टी को यूज करती है। एंड वो जब आप एप्लीकेशन इंस्टॉल कर रहे होते हैं तो आपके बहुत सारे एक्सेस ये एप्लीकेशंस ले लेती हैं, लाइक आपका कॉल रीड करना, आपके मैसेजेस रीड करना, आपकी गैलरी रीड करना, इस प्रकार के बहुत सारे एक्सेस जब ले लेती है तो ये थर्ड पार्टीज जो होती है ना वो आपके इस एक्सेस से डाटा लेती है एंड आपको कॉल करेंगी, आपके पेरेंट्स को कॉल करेंगी, आपके फैमिली फ्रेंड्स को कॉल करेंगी, इवन अगर आप मैरिड है या फिर अनमैरिड है तो आपके जो पार्टनर है उन्हें भी वो कॉल कर सकते हैं एंड बहुत सारे लोगों को कॉल कर सकते हैं जब तक आप इन्हें लोन नहीं पे कर दोगे टाइम पे, ठीक है। एंड ध्यान रखिएगा, अगर आप बाउंस करते हो, दैट मीन्स अगर आप एक ईएमआई टाइम पे नहीं पे करते हो तो आपको ना एक्स्ट्रा चार्जेस भी देना पड़ता है, जैसे कि मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बता के रखा था। क्या क्या चार्जेस लगता है, सबसे पहले आपको आपके बैंक से ही जो है बाउंस चार्जेस पे करना पड़ेगा अराउंड 400 के आसपास, ठीक है। एंड दूसरा आपको लेट फी पे करना पड़ेगा मिनिमम 500। सो अगर आपको बहुत ही ज़्यादा रिक्वायरमेंट हो, बहुत ही ज़्यादा जरूरी हो लोन की, तभी इस एप्लीकेशन के थ्रू से या फिर किसी भी लोन एप्लीकेशन के थ्रू से ना लोन के लिए अप्लाई कीजिएगा। अगर नेसेसरी नहीं है, जितना ज़्यादा हो सके अवॉइड करें लोन लेना फ्रॉम दैट एप्लीकेशन, क्योंकि बहुत ज़्यादा हार्मफुल एंड बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम दे सकती हैं ये एप्लीकेशन। अगर आपके पास समय से पैसा आ जाता है, अगर आपको बिलीव है, अगर आपको कॉन्फिडेंस है कि हाँ आप टाइम पे कर पाओगे, देन गो फॉर इट, ठीक है। एंड अगर आपको बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है उस पैसे की, तभी। दैट्स ऑल फ्रेंड्स, आशा करता हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा कि कैसे आप इस एप्लीकेशन के थ्रू से लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। कुछ खास हार्ड प्रोसेस नहीं है, सिंपली आपको एप्लीकेशन इंस्टॉल करना है, आपको अपना डिटेल्स देना है, एट द एंड में आपको अपना अमाउंट एंटर करना है, एंड अगर आप एलिजिबल होते हो तो आपको लोन मिल जाता है। एंड आपको सिर्फ शेड्यूल करना होता है कि आप कौन से डेट में अपना ईएमआई पे करना चाहते हैं, बस इतना करने के बाद दैट्स ऑल, आपको टाइम पे ईएमआई पे करना होगा एंड खत्म। अगली वीडियो में हम बात करेंगे, दैट मीन्स कि बहुत जल्द और एक वीडियो आएगी कि कैसे अगर आपने लोन ले लिया, आपका काम हो गया, तो कैसे आप नीरा लोन एप्लीकेशन को कम्प्लीटली क्लोज कर सकते हो, क्योंकि अगर आप क्लोज नहीं करोगे तो आपको अगेन मल्टीपल कॉल्स, मैसेजेस फॉर ऑफर आएंगी ताकि आप यहाँ से और लोन ले सको। सो ये जो कॉल्स होती है ना मल्टीपल टाइम्स हो जाती है, सो इससे आप परेशान भी हो सकते हो। सो एट द एंड में अगर आप इस टाइप के प्लेटफॉर्म्स को यूज नहीं कर रहे हैं तो इसे क्लोज करना ही बेस्ट होता है। सो अगली वीडियो में बात करेंगे कि कैसे आप इसे क्लोज कर सकते हो। मिलते हैं अगली वीडियोस में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। एंड अगर आपने अभी तक रिव्यू नहीं देखी, गो विद दैट वीडियो जहाँ पर मैंने बताया कि ये सेफ है या नहीं, बहुत सारे पॉलिसीज में डिस्कस किए। सो फ्रेंड्स, मिलते हैं अगली वीडियोस में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद।